हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो नए व्यूअर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्विकली इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, यहाँ बार्क ग्राफ्टिंग का वीडियो मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो देखिएगा, बार्क ग्राफ्टिंग यानी छाल कलम, तो इसके बहुत सारे वीडियोज है दोस्तों। इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, लगभग 50% के ऊपर ही हमेशा सक्सेस आपको मिलेगा। तो आप अंगूठा नुमा ब्रांचेस से लेके, पौधे से लेके या ब्रांचेस से लेके आप 3 फीट 4 फीट 5 फीट गोलाई तक के पौधों पे आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसका देखिएगा, यहाँ पर मैंने 3 कलमें बांधी थी, जैसे हाथ इतना मोटा साइज का है, इसमें मैं 4 भी कलमें फिट कर सकता था। तो यहाँ 3 प्रकार के मैंने सायन फिट की। तो दोस्तों, आपको जिस क्वालिटी का भी मैंगो पसंद है उस क्वालिटी के सायन आपको लेके आनी है और फिट करने की है। तो दोस्तों, आपके आस पड़ोस में कहीं भी अच्छे वेराइटी का आम होगा तो उसकी, वो देसी हो या हाइब्रिड का हो, उसे आप फिट कीजिएगा। और फिट करने के बाद में लगभग आपको 15 से 20 दिन के बाद में स्प्राउटिंग होना चालू हो जाएगा। अगर आप डिफॉलिएटेड सायन फिट करते हैं तो बेस्ट, इवन ताजी कलम में भी आप फिट कर सकते, बशर्ते मैच्योर चाहिए। तो इसके लिए मेरे सिलेक्शन आप सायन के वीडियोज हैं, कलम कैसे चुनना, इसके दो से पाँच वीडियोज हैं मेरे, वो देख लीजिएगा। मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप कलमें चुन सकते हैं, किस वेराइटी की, कैसे चुनने का, कितने दिन रखने का, कैसा प्रोसेसिंग करने का, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो उसके बाद में ही इस प्रकार की कलमें कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ अभी इससे 20 दिन हुआ है लगभग, अभी मैंने इसे खोल के स्प्रे कर दिया इस पर, इसकी जो एक स्प्राउटिंग हो गई 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और 2 कलमें अभी, 1 कलम जिंदी है और 1 कलम सूख गई है, उसमें धीरे से अंकुर निकलेगा क्योंकि वहाँ एकदम मैच्योर सायन नहीं थी। मैच्योर मीन्स एकदम स्प्राउट वाली। अगर जो आपकी स्प्राउट वाली सायन अगर से है दोस्तों, तो 7 से 8 दिन में अंकुर बढ़ना चालू हो जाता है। इसलिए अगर से आपका, अगर से स्प्राउटिंग वाली अगर से सायन हो, यानी बड एकदम स्वेलिंग वाली सायन हो, तो बेस्ट। और जिस पौधे पर आप कर रहे हैं, जिस ब्रांच पर कर रहे हैं, उस ब्रांच को अगर से इस प्रकार अगर स्प्राउटिंग निकल रही है नीचे से, तो उसे तोड़ दीजिएगा। सिर्फ सायन की ही स्प्राउटिंग बढ़ने देने का, उस मूल पौधे की अगर से कोई भी स्प्राउटिंग निकल रही है उसे चाकू से कट कर दीजिएगा और उसे यानी रफ टाइप का कर लीजिएगा जितने भी अंकुर है, ताकि यहाँ पूरी फुल ग्रोथ यानी फुल स्पीड से तुम्हारी सायन बढ़े। तो दोस्तों, अभी बाकी 1 सायन अभी जिंदी है, उसे स्प्राउटिंग निकल रही है। जब मैंने फिट किया था उस लकड़ी पे या सायन पे, उतने अंकुर वगैरह कुछ नहीं थे। तो देखिएगा, फिर से मैं उसे इसलिए बांध रहा हूँ पॉलीथीन को, उसे पर इस पॉलीथीन को बांधा हुआ मैंने इस, यानी 15-20 दिन हो गए लगभग, लेकिन यह स्पीड कम है इसकी। लेकिन फिर से मैं बांध इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक उसे जब तक पत्तियाँ लगभग 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की नहीं होती, तब तक इसे मैं बांध के रखूँगा इसे, उसके बाद में ही खोलूँगा। और इस पॉलीथीन को ऑलरेडी मैं छेद मार चुका हूँ गैसेस निकलने के लिए, ट्रांसपिरेशन निकलने के लिए। तो इस प्रकार इसका प्रिकॉशन लेने का है। थैंक यू वंस अगेन।